गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, शेयरिंग आर फीलिंग्स चैप्टर को आगे आज हम पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट, देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, इट इज़ कॉल्ड ब्रेल। कह रहे कि एक स्पेशल तरीका है पढ़ने का और लिखने का उन लोगों का जो देख नहीं सकते, और उसको हम कहते हैं ब्रेल। इट इज़ रिटन ऑन ए थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स डॉट्स विद अ पॉइंटेड टूल। ये एक मोटे पेपर पर लिखी जाती है रो में, जो रेज्ड पॉइंट यानी डॉट जो होते हैं वो उभरे हुए होते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ऊपर की तरफ पॉइंटेड होते हैं, उस हिसाब से लिखी जाती है। ब्रेल इज़ रीडिंग बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट। तो उसको कैसे रीड करते हैं, क्योंकि जो ब्लाइंड पीपल उनको दिखाई तो नहीं देता है, तो वो अपनी फिंगर को जो रेज्ड डॉटेड होते हैं पॉइंट होते हैं उभरे हुए उनके ऊपर अपनी फिंगर को टच करते हैं, है ना, रनिंग फिंगर करते हैं तो उनको फील होता है और उसको वो रीड कर देते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो ब्रेल को ब्लाइंड पीपल जो हैं वो अपनी फिंगर को रनिंग करके डॉटेड पर उसको रीड कर सकते हैं। तो नीचे जो दिया है ये एक्टिविटी दी है, तो जब आप क्लासेस में आएंगे बच्चों तब हम इस एक्टिविटी को करेंगे, ठीक है, अभी हम इसको नहीं यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटी आपको फ़िलहाल नहीं करनी है, ठीक है। ये इसी तरह की एक्टिविटी है, ब्लाइंड फोल्ड कह सकते हैं, जैसे ब्रेल स्क्रिप्ट होती है उसी तरह से हम इसको क्लास में करते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं इसमें, ये देखिए अब हम क्या करते हैं, इस ब्रेल स्क्रिप्ट को आगे और जानते हैं। क्या है ये लिखा है, लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। अब ब्रेल जो है इसके बारे में हम और जानते हैं, चलिए देखते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स। आपने देखा था कि जो स्टोरी आई थी इससे पहले उसमें रवि भैया थे, वो एक स्पेशल बुक्स थी उनकी, है ना। हाउ वर दीज बुक्स मेड, ये किस तरह से बनी थी अगर आपको याद हो, उसमें एक लाइन आई थी, तो हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक्स, और किसने इन बुक्स के बारे में सबसे पहले सोचा कि इस तरह की बुक होनी चाहिए। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट, और इसके बारे में देखते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बच्चे की पिक्चर दी है, इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये जो ब्रेल है इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे हम लोग ए लिखते हैं तो हमारा ए ये है, ये इस तरह से होता है इंग्लिश में, और बी ये है हमारा, इसके बाद सी डी और ई ये है। तो जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है वो सिक्स डॉट पर चलती है। देखिए आप देख रहे होंगे ए के नीचे कितने डॉटेड हैं, ये सिक्स डॉट हैं टोटल। इसी तरह से बी के नीचे भी सिक्स डॉट हैं, तो हर एक लेटर के नीचे सिक्स डॉट बने हुए हैं, तो सिक्स डॉट यानी पॉइंट पर ही ये ब्रेल स्क्रिप्ट चलती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हमको ये सपोज करो ए दिखाना है, है ना, ये तो हमारा ए इस तरह से लिखा होता है, लेकिन ब्रेल में कैसे होगा, जो छः डॉट दिए हैं सिक्स डॉट दिए हैं उसमें से केवल जो फर्स्ट वाला डॉट है ये वाला केवल यही पॉइंटेड होता है, रेज्ड पॉइंटेड होता है यानी उभरा हुआ होता है, बाकी सब डॉट क्या है नीचे की तरफ होते हैं। सिमिलरली अगर हम बी की बारे में बात करेंगे तो हम लोग तो बी इस तरह से लिखते हैं, है ना, ये हम तो बी ऐसे लिखते हैं ज़रा, लेकिन ब्रेल में कैसे होगा, ये जो सिक्स डॉट है उसमें ये वाला डॉट और ये वाला डॉट ये उभरे हुए होते हैं, रेज्ड पॉइंट, इनको कहते हैं रेज्ड पॉइंट, यानी ये उस पेपर से ऊपर की तरफ उभर के आ रहे हैं। तो हम फिंगर से जब इसको टच करेंगे तो हमको महसूस होगा कि दो पॉइंट हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये क्या हो सकता है, बी हो सकता है, है ना, इस तरह से ये लोग फील करते हैं। अब सी के लिए क्या है, सी के लिए दो पॉइंट होंगे लेकिन वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगे, है ना, दोनों एक लेफ्ट में है और एक राइट में। अगर इस तरह से फिंगर से हम टच करें दो पॉइंट आते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो सी है। और ब्रेल स्क्रिप्ट में ये डी बनाने का तरीका ये है, तीन डॉट रेज्ड होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये तीनों डॉट जो होंगे वो ऊपर की तरफ को उभरे हुए होंगे, रेज्ड डॉट इनको बोलते हैं। सिमिलरली ये इस तरह से अगर ये वाले दो डॉट जो हैं ये अगर ये रेज्ड हैं तो ये ई होता है, ठीक है, ये वाला और ये वाला तो ये ई होता है। तो हम ब्रेल स्क्रिप्ट जो है हमारी ये इस तरह से होती है। चलिए हम इसमें आगे रीड करते हैं इसको। अब वहाँ पर ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पहले किसने सोचा कि ब्लाइंड लोगों की भी बुक हो सकती है, तो उसके बारे में यहाँ पर है, लुईस ब्रेल बिलोंग टू
फ्रांस। अब ये लुईस दुब्रेल एक नाम है, ये फ्रांस एक कंट्री है, फ्रांस वहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ के हैं। वन डे व्हेन ही वाज 3 ईयर्स ओल्ड ही वाज प्लेइंग विद हिज फादर्स टूल। एक दिन की बात है, जब वो 3 साल के थे तो वो अपने फादर के जो टूल्स हैं, उनके औजार थे उनके फादर के, उनके साथ खेल रहे थे। सडनली मीन्स अचानक, अ पॉइंटेड टूल हर्ट्स हिज आईज। तो एक पॉइंटेड यानी एक नोकीला टूल था, वो उनकी आंखों में उसने घाव कर दिया, लग गया। ही लॉस्ट हिज आई साइट, और तब से उनकी आई साइट जो ख़राब हो गई है ना, आंखें उनकी ख़राब हो गई। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज़, लेकिन उनको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, बहुत इच्छुक थे वो पढ़ाई करने के। ही डिड नॉट गिव अप, तो उन्होंने नहीं छोड़ा। ही kept thinking of different ways to read and write. उन्होंने जब वो ब्लाइंड हो गए तो उन्होंने नहीं सोचा कि पढ़ाई छोड़ दूँ, तो लेकिन वो सोचते रहे अलग अलग तरीके पढ़ने के और लिखने के, कि ब्लाइंड होने के बावजूद भी मैं किस तरह से पढ़ सकता हूँ और किस तरह से मैं लिख सकता हूँ। फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। लास्ट में उन्हें एक रास्ता मिला पढ़ने का, किस तरह से, टचिंग एंड फीलिंग, महसूस करके और छू करके। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर्स केम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट, और यही तरीका जो है वो उनके नाम पर ब्रेल स्क्रिप्ट बन गया। यानी ऊपर जो अभी हमने देखे थे, ए कैसे बन रहा है, बी कैसे बन रहा है, सी कैसे बन रहा है, तो ये इन्हीं ने ब्रेल, जो लुईस ब्रेल थे, इन्होंने ही इसको डिस्कवर किया फीलिंग करके, बाय टचिंग, है ना। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया ब्रेल स्क्रिप्ट। ये जो स्क्रिप्ट है उन्हीं के नाम पर पड़ा ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं ये वाला पैराग्राफ। इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेज्ड डॉटेड आर मेड ऑन अ थिक पेपर। इस तरह की स्क्रिप्ट में, लिखावट में जो रो होती हैं, लाइन होती है, वो रेज्ड डॉटेड एक मोटे पेपर पर रेज्ड डॉटेड से बनी होती हैं। बिकॉज दीज डॉट्स आर रेज्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम। क्योंकि ये जो डॉटेड हैं, उभरी हुई, इनको हम पढ़ सकते हैं अपनी फिंगर को इनके ऊपर घुमा करके। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 points। ये जो स्क्रिप्ट है ये 6 point पर बेस्ड है। 6 point पर बेस्ड कैसे है बच्चों? जैसे कि ऊपर दिखाया था हमने कि ए के नीचे आप देखोगे टोटल कितने पॉइंट हैं, 6 point है। तो हर एक लेटर के नीचे आप देख रहे हैं 6 point बने हुए हैं, तो इसी वजह से कह रहा है वो कि जो स्क्रिप्ट है 6 point पर बेस्ड है। अब उस 6 में से कौन से रेज्ड होते हैं पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग लेटर बनता है। जैसे ए के लिए केवल ये लेटर रेज्ड है तो ए हो जाएगा, ये 2 इसमें से पॉइंट रेज्ड हैं, उभरे हुए हैं, तो बी बन जाएगा, और अगर 6 में से ये इस तरह के 2 जो उभरे हुए हैं वो सी बन जाएगा, और अगर ये 3 point रेज्ड हैं तो ये डी बन जाता है, और इस तरह से ये दोनों पॉइंट रेज्ड हैं तो ये कैपिटल ई या ई ये बनता है। ठीक है ना, तो इसलिए बोला है कि ये जो स्क्रिप्ट है 6 point पर बेस्ड है। अब आगे देखते हैं। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस दीज डेज। स्टार्टिंग में तो वो वैसी थी, लेकिन आज की डेट में ये स्क्रिप्ट जो है काफ़ी सारे इसमें चेंजेस हो गए हैं, बदलाव आ गए हैं। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। और इससे क्या हुआ है, ब्लाइंड लोगों के लिए रीडिंग और राइटिंग जो है वो बहुत ही सिंपल बन गई है, आसान बन गई है। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। और आजकल तो ये जो ब्रेल है स्क्रिप्ट, इसको हम कंप्यूटर से भी लिख सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो इसको आपको अच्छे से रीड करना है। थैंक यू चिल्ड्रन।